हमारे आत्मविश्वासी मुखर नए भारत के कहानीकार, हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का मंच प्रदान करने के लिए, इस विजन को सामने लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और आप सब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं फेमस पॉडकास्टर राज शमानी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। I'm honored to introduce the next person on the stage who needs no introduction. But before I do that, I want you to thank your stars. Shukr manao guys ki ye content creator nahi hai. Kyunki agar ye hote to hum sab ki dukane band ho jati. Because jab ye reel banate hain to viral ho jati hai. Jab ye tweet karte hain to wo trend ban jata hai. Jab ye radio show pe jate hain तो वर्ल्ड का नंबर वन रेडियो शो बन जाता है। जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। ही डज नॉट राइड द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर फॉर द इन्फ्लुएंसर ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, द ओजी, द गोट, हु इज मेकिंग द इंडियन ड्रीम पॉसिबल फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस, द क्रिएटर ऑफ न्यू भारत, Honorable PM Narendra Modi ji. थैंक यू राज शमानी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इन पुरस्कारों के लिए चार सदस्य जूरी में से दो माननीय सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं मंच पर रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी को आमंत्रित करती हूं, जो जूरी मेंबर्स हैं। और अब अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करती हूँ कृपया पुरस्कार वितरण का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आगे आएं। द फर्स्ट कैटेगरी, द अवार्ड फॉर द न्यू इंडिया चैंपियन, द अवार्ड गोज टू अभी एंड न्यू। Pioneers in shaping the perspective of New India. Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। इसीलिए अभी और न्यू, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा साहस का काम है। मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूं और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूं तो मैं देख रहा हूं कि लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मजाक, मीडिया वाले भी रिपोर्ट में सीरियस नेचर की बात करूंगा तो कभी नहीं करते, वो हंसी मजाक की कोई बात होगी तो बढ़िया रिपोर्ट करते हैं। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ, आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए
तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू दोस्त, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है, मेरी तरफ से बहुत बधाई। एंड द बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड, द अवार्ड गोज टू कीर्तिका गोविंदस्वामी, नोन एज कीर्ति हिस्ट्री। She educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history. Oh ho, Baba, I'm panicking. देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। और उसमें भी अब कोई बेटी, थैंक यू सर। मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। अनसोगी, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ, बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल आपको है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। एलाको वनकुम, आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर द फैक्ट दैट यू हैव टेकन अप तमिल इन अ लॉट ऑफ स्टेजेस एंड यू सेड लाइक तमिल। सो आई मस्ट स्टार्ट विद वनकम। या वनकम, so I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform which you brought here, so I'm really grateful for that, sir. I'm so honored, I'm just shaking, I don't know what to say. Thank you so much. नहीं, आपको अनुभव क्या आ रहा है जब आप, क्योंकि इतिहास से कुछ घटनाएं उठाती है और बड़ा, अब तो जहां से ये काम कर रही है थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है, तो क्या फील करते हैं आप? I would say it's little complicated since you know history and politics are like interconnected, so it's like I get a lot of troll also, but that's fine. It's just share with the facts and all. Teenager का जो group है, जो सबसे ज्यादा अपना समय यहाँ बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय खर्चा करता है, उनको कौन सी चीजें ज्यादा appealing लगती है? They like, actually, in my audience, I have a lot of teenagers and they really watch things. In sab ke wo sare khiladi teenagers hi hai. That's true. Yeah. So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. Unko acha lagta hai. Yeah, yeah. People really feel proud of it. Bahut seva kar rahe hain aap desh ki. Thank you. So all the best. So big applause for Kirtika Govindaswamy. And the next category is Disruptor of the Year Award. स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। We know him as Beer Bison. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? जी, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। कभी आप, मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा वेवलेंथ नहीं, मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं।
मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मेरा जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है, कभी उस पर सोचिए ना। जी जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती तो नींद, योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो सारे के बहुत होते हैं भाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। और अगला पुरस्कार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड, जिसके विनर हैं पंक्ति पांडे। एज एन इसरो साइंटिस्ट, पंक्ति एम्प्लीफाइज द मैसेज ऑफ मिशन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्यों के विषय में बताइए। यस सर, हूँ अहमदाबाद थी छू। स्वागत छे। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है क्या आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा चाराना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। अच्छा बताइए। प्रकृति के बारे में बताती हूँ, हम बदलाव बहुत चाहते हैं दूसरी चीजों में, पर हम बदलाव कभी अपने आप में नहीं लाना चाहते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। तो मैं अभी यहाँ पे जो सब लोग उपस्थित है यहाँ पे, उनसे कहूंगी एक चीज, हम अगर हमारे वहां पे करें, हम अपने वेस्ट को ऑडिट करें। हम दूसरों का कचरा देखते हैं पर हम क्या खुद निकालते हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेस्ट ऑडिट योर डस्टबिन, कि क्या हम हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं? पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। मिशन लाइफ के संबंध में डिटेल स्टडी किया है आपने? मिशन लाइफ नहीं सर, मैंने एक यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ दुनिया के सामने एक मिशन लॉन्च किया है, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारी बातों से हम परिचित है। और लोग दुनिया कहते हैं तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, सारा मैं क्या करूंगा कोई कहता ही नहीं। और इसलिए मैंने कहा है मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ के पीछे मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपकी लाइफस्टाइल ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एसी कार में बैठ करके जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, फिर एसी कार में बैठ करके घर वापस आएंगे और फिर 5-स्टार होटल में जाकर के एनवायरमेंट पर भाषण देंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान का सबसे बड़ा उपाय हमारी लाइफस्टाइल है। आपका यही मिशन है ना? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बदलाव हमसे है, बिल्कुल। और अहमदाबादी है तो वेस्ट का बेस्ट कैसे बनाना, इसमें एक्सपर्टाइज होती है।
ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। धन्यवाद जी। माइक दे दीजिए तो वो काम आएगा। एंड द नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी, जिन्हें आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। वन ऑफ द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑरेटर्स, शी शेयर्स स्टोरीज एंड टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता एंड रामायण इन इंसाइटफुल मैनर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ द मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर अवार्ड, दिस अवार्ड गोज टू लक्ष्य डबास। आई इनवाइट हिज ब्रदर मृणाल डबास टू रिसीव द अवार्ड ऑन हिज बिहाफ। कृषि को लेकर इनोवेटिव टेक्निक से कैसे हम कृषि को समृद्ध कर सकते हैं, इसी पर काम करते रहे हैं लक्ष्य डबास। बधाई हो, आपका लक्ष्य सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से बुलाने के लिए परंत सब। मैं मृणाल डबास, हम जैविक किसान हैं। देश की जरूरत जरूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा और आज देश की जरूरत जैविक खेती की है, जिसमें कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं वो ना डाला जाए। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जटखोड़ खेत से बिलोंग करते हैं जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पे है, बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो एक्सपेलर यूनिट नहीं, जो प्राचीन समय में कच्ची घानी का तेल हुआ करता था। अगर हम गाय पाल रहे हैं, जर्सी HF नहीं, जो हमारी देसी गाय है, गिर है, सहवाल है, थारपारकर है, राठी है, क्यों उसको भी हमें ज्यादा सेवा करनी चाहिए, उसके दूध में और उसका जो घी बनता है क्या उसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, और हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज्यादा जरूरी है। इसी संदर्भ में हमारा उद्देश्य रहता है। और देखिए, लक्ष्य आप पता चलेगा कि ऐसे नौजवान, जबकि दुनिया कुछ अलग सोचती है, ये अलग सोच रहा है। लोग लक्ष्य की मजाक उड़ाते होंगे, क्या यार तुम ये गाय पीछे पड़े हुए हो, उसके बाद भी वो उसको समर्पित है। आप कभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी से मिले हैं? नहीं सर, ये अवसर नहीं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार उनके साथ बैठिए। वो एक मिशन मोड में ये नेचुरल फार्मिंग पर काम करते हैं, कुरुक्षेत्र में उनका एक फार्म भी है, और गुजरात में करीब उन्होंने 3,00,000 किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले गए हैं, और जो उसके रिजल्ट आए हैं बहुत ही एनकरेजिंग है। दूसरा, लोगों में एक भ्रम है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शुरू में इनकम का बहुत लॉस होता है, उसके कारण कोई किसान हिम्मत नहीं करता,
नेचुरल फार्मिंग में लॉस नहीं होता है और धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, एकरेज बढ़ता है। मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आचार्य देवव्रत जी से जरूर मिलिए। यूट्यूब पर उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उसको देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड नाउ द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड के विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आपके ओरिजिनल सॉन्ग होते हैं और आप पारंपरिक लोक गीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंघी नाद बजावत गावत, सिंघी नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के, दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड नाउ द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर। इस अवार्ड में तीन लोगों के नाम हैं, किली पॉल फ्रॉम तंजानिया एंड कैसेंड्रा मेस पिटमैन द जर्मन सिंगर। एंड वी हैव वन मोर अवार्ड विनर इन दिस बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर कैटेगरी एंड ही इज ड्रू हिक्स। An American with Hindi and Bhojpuri skills, and he's gained fame for fluent Hindi and Bihari accent. So, आप हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं। यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे? मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब बोल गया मैं, बट कोशिश करूंगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ धन्यवाद अवार्ड के लिए, और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था। तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया और फिर पटना में। वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया,
बट यूएस में मन नहीं लगा, मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। और हमारे देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रेवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामिया जानी, द फाउंडर ऑफ कर्ली टेल। हमारे देश के कई ऐसे पहलुओं को सामने रखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं। सो द ब्यूटी ऑफ इंडिया हैज बीन शोकेस्ड बाय हर इन हर वीडियोस। दैट्स कामिया जानी। बहुत बहुत बधाई। Thank you. कामिया जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर वन पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूं, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका। द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। खैर उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत के इन धरोहर का परिचय करवाती हो तो मैं एक विषय, दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं, उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है तो दौड़ो पकड़ो। और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो, जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने का काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। एंड नाउ लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी। और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया एंड यू इवन कवर्ड यूपीआई इन पेरिस। दैट्स गौरव चौधरी। चलिए अभी आज की दुनिया का इंसान है कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करें। सर मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही,
लेकिन जैसे मैंने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया है। आपने ध्यान में आया होगा एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं, सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है। और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है, ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा यूपीआई ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है। और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी, कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा, लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते और मैंने जब वहां की टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया उनमें से चुने गए स्वच्छता एम्बेसडर हैं मल्हार कलांबे, अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट जो 2017 से प्रति सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाते रहे हैं, स्वच्छता और सतत विकास को लेकर जागरूकता भी फैलाते रहे हैं। दैट्स मल्हार कलांबे। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया। मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं आप ही से प्रेरणा लेके। पिछले 6.5 सालों में हमने 500 से ज़्यादा क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है, 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने युवकों को बड़ी प्रेरणा दी है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज उनके साथ जुड़ती हैं, काफी मेहनत करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं टोकनिज्म करते हैं, और उन्होंने एक वातावरण बनाया है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा बट सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत दिन के दिन क्लीन अप किया था, ये मेरी भी एक इच्छा है कि कभी आपके साथ क्लीन अप कर पाऊं। वाह, थैंक यू। जरूर जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है, इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। और हमारे देश की समृद्ध फैशन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए The next category, Heritage Fashion Icon Award. और इस अवार्ड के विनर हैं जहानवी सिंह। आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं, जिनमें भारतीय साड़ियां भी मौजूद हैं। स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता, हेरिटेज फैशन पर आप काम करती रही हैं। That's जहानवी सिंह। No, बाबा, बहुत बहुत बधाई आपको। और दुनिया में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है। और आप बड़ी मदद कर रही है, कुछ सुनाइए लोगों को।
बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए. और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाऊं. और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए. आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमेशा ये रूट्स आपको याद होनी चाहिए. एक है अब दुनिया में रेडीमेड का जमाना है जी. और मैं मानता हूं कि हमने इस प्रकार किसी को अगर गाइड कर सकते हैं, आप जैसे लोग गाइड कर सकते, जैसे अब साफा कोई मानता नहीं, रेडीमेड आता है पहन लेता है, फोटो वोटो निकल जाती है, धोती मानता नहीं कोई, रेडीमेड आता है पहन लेता है. भारतीय जो वेश है उसमें भी साड़ी कठिन काम है पहनना. अगर उस आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता हूं वो जितना ज्यादा प्रमोट होगा दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है. तो उस दिशा में कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकती है? मुझे लगता है हमारे देश में बहुत अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स हैं और उसको अपने वीडियोस से मैं प्रमोट करती हूँ. उसका पहनावा कैसा है, उसकी बुनाई कैसे की जाती है, टेक्सटाइल कैसा है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास है वीडियोस के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे भारत में इतने अलग अलग टेक्सटाइल्स और इतने सुंदर प्रिंट्स वेराइटीज हैं जो हमें देश के सामने लानी चाहिए. और भारत एक सबसे सुंदर देश है और उसकी विरासत, उसकी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, हर एक चीज बहुत सुंदर है. तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊं. देखिए, भारत फैशन की दुनिया में लीडर रहा है. बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता की निशानी है या पर्स ऐसे लटकाती बहने. आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी है उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है, ऐसे लटक रही है. यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहां पर पत्थर तराशने वाले को भी था. यानी भारत की इन विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं. बहुत बहुत बधाई आपको. बहुत बहुत धन्यवाद. और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर फीमेल की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं श्रद्धा, जिन्हें मशहूर हैं अयो श्रद्धा के नाम से. आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार. दैट्स श्रद्धा. अयो श्रद्धा से मेरा दोबारा मिलने का मौका मिला है. बहुत बहुत बधाई. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए. और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के जरिए कंटेंट बनाते हैं वो भी एक स्किल है. ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार. इसका बहुत 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 धन्यवाद. देश में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक वजहों से परिस्थिति काफी गंभीर हो जाती है. मेरी कोशिश ये रहती है कि इसमें अगर एक ह्यूमरस पॉइंट ऑफ व्यू या हास्य रस मिलाया जाए तो एक पॉजिटिविटी फैलाई जा सकी है. जो भी परिस्थिति हो, आई थिंक हमारे देश के लोग इतने प्यारे हैं कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो हम हर चीज में मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं. और मैं अपने कंटेंट से ये वजह दर्शाने की कोशिश करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. देखिए, बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उसमें जब तक तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है. तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में. और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. And now, let's recognize the best creative creator male, RJ Ronak, जो अपने prank के लिए जाने जाते हैं, अपने humor, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं, और अलग अलग topics पर बेहतरीन digital content तैयार करने वाले RJ Ronak. क्या RJ? कैसे हो भैया? रौनक ने ही RJ नाम popular कर दिया.
सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहां पर रेडियो का मैं इकलौता हूं आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। सो बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। बिल्कुल। सो सबकी तरफ से मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बहुआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सो नमस्ते सर, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। And now moving on to the best creator in food category, and the award goes to Kavita's Kitchen. Ek housewife jo ban gayi digital entrepreneur, she has played a vital role in celebrating the rich culinary heritage of India. Kavita ji, bahut bahut badhai aapko. Dhanyawad sir. वो जो मल्हार है ना, उनको खाना बनाना सिखा, उसको कुछ सिखाइया। सर धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए, और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना, तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है, तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा, और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा अगर हो तो फ्यूचर में अच्छा होगा। अच्छा हुआ आप इस काम को किया, और आपके कारण लोग जानेंगे, वरना हमारे गुजरात के लोगों का एक स्वभाव रहा है, वो सैटरडे शाम को कहीं के रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं फास्ट फूड, और फिर वहाँ मैक्सिकन कहाँ मिलेगा, पिछले सप्ताह मैक्सिकन लिया, इस बार इटालियन कहाँ मिलेगा, और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा। खैर, लेकिन आपने देखा होगा हमने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में दुनिया में पॉपुलर किया। हमारे यहां परंपरागत रूप से मिलेट खाया जाता था, लेकिन आज हमारे डाइनिंग टेबल पर से वो खो चुका था जी। फिर से आ रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरा, खाने में बनाने के तरीके, दिखने का तरीका, लेकिन उसके साथ साथ अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अवेयरनेस, उसमें आप क्या कर रही हैं? मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे, उनको फैंसी फूड पसंद होता है, तो अगर हम उसमें ज्वार बाजरा रागी ये सब फ्लोर मिला के, जैसे मैं सुबह दूध की मलाई बचती है तो उसमें बनाना मैश करके डाल देती हूँ, थोड़ा रागी ज्वार फ्लोर काजू किशमिश क्रश करके, और उसके छोटे छोटे ऐसे पैनकेक बना देती हूँ, तो बच्चों को पता नहीं चलता, उनको लग रहा है कि बहुत मीठा है और अच्छा है, तो बच्चों के स्वाद के हिसाब से हमें खाने में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो मिलेट है वो हम अपनी लाइफ में, आजकल डाइटिशियन डॉक्टर सब बोलते हैं कि मिलेट्स खाना हमारे लिए अच्छा है, और हम वापस उसी जनरेशन में जा रहे हैं जहां से हम शुरू किए थे। मैं अभी यूएस में, मुझे निमंत्रित किया गया था, तो व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा डिनर था, सबके लिए वेजिटेरियन था, और सरप्राइजिंगली 80% डिश मिलेट्स की थी व्हाइट हाउस में। तो मिलेट हम सबको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए, और ये आपके बात सही है कि बच्चों को उसमें रुचि बननी चाहिए। मैं याद है, खैर मैं बच्चा नहीं था तब, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, तब तक मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, और मेरा कोई 10 दिन का वहाँ कार्यक्रम, वहाँ की सरकार ने मुझे बुलाया था, मेरे यहाँ से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट,
सब नो 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 नो, तो उनके लिए परेशानी दिया, खिलाए क्या उसको? तो फिर मेरे साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि साहब यहां एक बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट है जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती है, तो हमने आपके लिए वहां तय कर लिया है, आप क्योंकि और कहीं पर भी आपके लिए वेजिटेरियन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए आपकी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं, आपने मेरी सेवा की। अब मैं गया, सब मैंने देख, उन्होंने शोकेस किया हुआ था ऑर्डर देने के लिए, मैं देखते ही चौंक गया, क्योंकि किसी को दिखता था चिकन जैसा, कोई दिखता था फिश जैसा, कोई मटन की सारी चीजें दिखती थी। मैंने कहा यार तुम यहां कहां ले आए मुझे, ये तो सब नॉन वेज है। तो फिर मुझे उन बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने समझाया कि साहब यहां के लोगों को वेजिटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजिटेरियन चीजों का शेप ऐसा बनाते हैं ताकि वो मेंटली पहले प्रिपेयर हो। और आप भी कभी ताइवान जाए तो आज भी वो रेस्टोरेंट है। खैर मैं तो उसको देख करके राम राम करके वापस आया। यही इस बात का मैं ध्यान रखूंगी अपने नेक्स्ट कुकिंग वीडियो में कि जो दिखने में, पोषण के लिए जितना ज्यादा बल दे सके मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर कैसे हैं? मम्मी ने बोला वाह नमस्कार। ओहो धन्यवाद। एंड नाउ द बेस्ट क्रिएटर इन द एजुकेशन कैटेगरी और इस पुरस्कार के विजेता हैं टेक प्लस गैजेट्स के लिए जाने जाने वाले नमन देशमुख। नमन टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, फाइनेंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे विषयों को कवर करते हैं, सामान्य भाषा में तकनीकी विषयों पर शिक्षित करते हैं। आपको नमन। बताइए नमन। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी थैंक यू सो मच इस पुरस्कार के लिए। मैं एक्चुअली टेक रिलेटेड या फिर जो भी अवेयरनेस होती है उस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ। जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी या फिर बाकी की चीज़ें बढ़ रही हैं उस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा देते हैं कुछ स्कैम्स के कारण। तो उस टाइप की वीडियोज़ रहती है मेरी, प्लस इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक प्रकार से लोगों को जगाने का काम है। अदरवाइज लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता है। तो उसी में मेरी कोशिश रहती है और मैं ट्राई करता हूँ कि जितना सिंपल मेरा कॉन्टेंट हो उतना लोगों को समझने में आसानी होती है। तो मेरा जो हमारा एक रीज़न है टेक में आने में या फिर एजुकेशन में कि एजुकेट तो करना है लेकिन बहुत सिंपल और फन तरीके से लोगों को चीज़ें बतानी है, और शायद उस चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सुझाव मैं देता हूँ नमन, शायद इन लोगों में से कोई निकले उसको भी काम आ सकता है। भारत सरकार की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब्स बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों में चलती है, भारत सरकार पैसे भी देते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के लिए है वो, पांचवीं छठी सातवीं कक्षा की, और टेक्नोलॉजी के लिए ही है उनका साइंटिफिक टेम्पर तैयार करने के लिए। लेकिन मैं उन दिनों इन बच्चों को जब मिलता हूं क्या चीजें बना बना के लाते हैं, क्या सोच करके लाते हैं। कभी आप ऐसे अटल टिंकरिंग लैब में जाकर के उसको अगर कभी कवर करें तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा हमारे बच्चों को। और दूसरा मैंने देखा चंद्रयान लैंडिंग के बाद हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर के प्रति बहुत बड़ी रुचि बनी है, बच्चों को लगने लगा है कि हमने साइंस मैथ की दुनिया में जाना चाहिए। और ये आप लोग जो क्रिएट करते हैं चीजें हमारे बच्चों को साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने वाली जितनी चीजें करेंगे बहुत बड़ी सेवा होगी। प्रधानमंत्री जी मैं ये आपकी जो बात है वो जरूर मतलब उस चीज़ पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर श्योर। और जितनी भी चीज़ें होती है जितना भी हम वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस को लेके, मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि लोग
एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग सीखना चाह रहे हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो जो आपका सजेशन है उसके लिए मैं 100% काम करने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड के विजेता हैं अंकित भाई अनपुरिया, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो अपने 75 हार्ट चैलेंज के लिए बहुत मशहूर हुए, और आप फिटनेस के साथ साथ अध्यात्म को भी जोड़ते हैं। अंकित बयानपुरिया। अंकित साहे राम है, वाह। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए आप। तो चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगारा दुनिया में ढाई सुख है, पहला सुख निरोगी खाया, दूसरा अच्छी नींद और आधे माजा है और बच्चा उठ सब कुछ है। तो भाई पहला सुख निरोगी खाया तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो जरूर। बहुत बहुत बधाई। और गेमिंग क्रिएटर कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सुनाइए कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर, एंड मैं जेन्युइनली इतना ज्यादा नर्वस हूँ, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फोन में कि क्या बोलूंगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज बोल रही थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर, कि गेमिंग को भी रिकॉग्निशन मतलब मिल रही है, एंड इट्स अ बिग थिंग, सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, और इस कैटेगरी के विनर हैं अरि दमन, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशियंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं। आप आध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं, मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए आइए बैठिए। अब आप बताइए। लक्ष्मी है वदन पर ब्रह्मणे नमः, सभी को मेरा सादर नमस्ते। और पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ज्योतिष की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं धर्मशास्त्रों के कुछ विषयों पर अपनी वीडियोस बनाता हूँ। और ये पुरस्कार मुझे मिला, इसमें धर्मचक्र भी है, इसमें वृषभ भी है, इसमें सिंह भी है, और इस धर्मचक्र की मर्यादा बनी रहे, ये धर्मचक्र सतत चलता रहे, इसके लिए ही मेरा छोटा सा प्रयास है। और ये धर्मचक्र केवल एक मूर्तमान पुरस्कार की कोई मूर्ति नहीं है जिसको हमें घर में जाकर के सजा देना है, अपितु अपने जीवन के अंदर इस धर्म चक्र को धारण भी करना है। और इसके अंतर्गत कोई आध्यात्मिक कर्मकांड नहीं आते हैं, इसके अंदर कोई पूजा पाठ या विधियां नहीं आती है। आज मैंने जो वेशभूषा पहनी है, बहुत से लोग इसे देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कोई सन्यासी हूँ, कोई बाबा हूँ, कोई तपस्वी हूँ, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। मैं एक सामान्य बालक हूँ जो अपनी 12वीं कक्षा इस समय कर रहा हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम भुला चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने वेशभूषा की बात करी, हस्तकला की बात करी,
और मैं कहना चाहूंगा कि जो परिधान मैंने पहना है ये भारत का सबसे पुराना परिधान है, जिसको आज लगभग इधर बहुत कम लोग पहन के आए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे छोटे से योगदान से, यद्यपि मैं एक बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन मेरे छोटे से योगदान से मैं इस राष्ट्र के धर्म चक्र में एक छोटा सा सहयोग देता हूं, और उसके लिए आप सभी का मैं साथ मांगता हूं। और उसके लिए मुझे यहां बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। आप अरी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और अरी का दमन कैसे करते हैं? प्रथम तो अरी अंतर्मन के शत्रुओं का ही दमन करें, और बाहरी शत्रु बहुत रूप से होते हैं, फिजिकल शत्रु भी होते हैं, अंतर्मन के शत्रु भी होते हैं, परंपराओं के शत्रु भी होते हैं, रहन सहन के शत्रु भी होते हैं, और मैं समझता हूं कि जितनी हद तक हम इन शत्रुओं का निवारण कर सके उतना ही अच्छा है, और मैं इस अपने नाम को सार्थक करने के लिए उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस पर आगे बढ़ता रहूं, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड नाउ द बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड, और इस अवार्ड के विजेता हैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के पीयूष पुरोहित। पीयूष जो स्थानों के, लोगों के और उन क्षेत्रीय त्योहारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। जोरदार तालियां पीयूष पुरोहित के लिए। पीयूष बधाई हो। सुनाओ। सर मैं उत्तराखंड से हूँ और चमोली। चमोली से हो? हाँ जी। तो सर मैं अपने जो उत्तराखंड की पुरानी परंपरा होती है उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, और मतलब अलग तरीके से थोड़ी VFX वगैरह, एडिटिंग वगैरह से उसे थोड़ा और एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि उसमें थोड़ा VFX यूज कर लिया, जैसे वीडियोज में VFX होते हैं, विजुअल आर्ट्स। मैंने मन की बात में एक बार लोगों को अपील किया था किसी और राज्य के गीत को गाइए, और चमोली का जो गीत है एक, वो केरल की बच्चियों ने स्कूल में गाया था, बहुत पॉपुलर हो गया था, शायद आपने वायरल देखा होगा उसको। चमोली का वो गीत बड़ा फेमस है, लोगों के स्वागत के लिए गाया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ कहिए कहिए। कोई बात नहीं सर, फर्स्ट टाइम वाले ही है। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड। चलिए बहुत धन्यवाद। और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की आखिरी श्रेणी, बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को। एक उद्यमी के तौर पर अपनी सफलता और अपने इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल अमन गुप्ता। अमन बहुत बहुत बधाई हो। सर आप तो अब सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोर्ड तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, यू नो ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024, 7 साल बाद सर, वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए, और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों जजेज और भी दो लोग थे लेकिन शायद वो बाहर हैं, मैं जजेज का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने शानदार लोगों को परिचय करवा दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको।
रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी, आपसे अनुरोध, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत आभार। ओह बाबा, पैर नहीं बाबा। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक शब्द हमें लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और आज के इस अवसर पर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत से शब्दों को सुना, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी अत्यंत उल्लासित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं और इसीलिए अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहां उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही, और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटेड अवार्ड्स ने पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं, कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद
आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है जी। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है, ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव, भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है, शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं, शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है, और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में, सबको देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं, अभी आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। साथियों, किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो
सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है, है ही नहीं तो क्या करोगे? पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे। लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। अब ये श्रद्धा को देखिए, खुद अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाती है। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार से इतनी टैलेंट एक जगह पे जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाज लगा सकते हैं। आपने आइडियाज गढ़े, इनोवेशन किए और उन्हें स्क्रीन पर जीवंत बनाया। आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया बल्कि लोगों को दुनिया भी दिखाई। आपने जो हिम्मत दिखाई उसी के कारण आज आप सब यहां पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के एमवीपी ठीक है ना? थोड़ा दिमाग खपाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको एमपीपी कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और क्रिएटिविटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जब कंटेंट डिजिटल से कोलैब करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब कंटेंट पर्पज से कोलैब करता है तो इससे इंपैक्ट दिखता है। और आज जब आप लोग यहां आए हैं तो मुझे भी बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से कोलैब रिक्वेस्ट करनी है। साथियों, एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे यहां बहुत टेस्टी फूड मिलता है, ऐसा देखते थे ना? कोई भी कहे वहां क्यों खाना तो बोले टेस्टी फूड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुकान वाले लिखते हैं कि यहां हेल्दी फूड मिलता है। अब टेस्टी नहीं लिखता है, हेल्दी फूड मिलता है। क्यों बदलाव आया? तो ये एक बदलाव समाज में भी आ रहा है। इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कृतज्ञ भाव जगाए। देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करें और आपके कंटेंट का यही डायरेक्ट मैसेज हो, ये जरूरी नहीं है। आप कंटेंट क्रिएट करते हुए इसका ध्यान रखेंगे तो इनडायरेक्टली भी उसमें जरूर झलकेगा। आपको ध्यान होगा, लाल किले से मैंने
बेटियों के अपमान का विषय उठाया था। एक बार मैंने ये भी कहा था कि आप बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं क्यों देर से आई, कहां गई थी, क्यों जल्दी घर नहीं आई। मैंने लाल किले से पूछा था कि मुझे कोई तो माँ बाप बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे हो, कहां गए थे। बेटी को सब पूछते हैं, बेटे को कोई नहीं पूछता है। मैं कंटेंट क्रिएटर से कहता हूं इस बात को आगे कैसे बढ़ाए, एक माहौल कैसे बनाए, समान जिम्मेवारी होनी चाहिए। बेटी देर से आए तो भूकंप हो जाए और बेटा देर से आए, बेटा खाना तो खाया था ना, क्यों भाई। कहने का मेरा मतलब है साथियों कि हमने समाज के साथ जुड़ना है और इस भावना को घर घर पहुंचाने में आप जैसे साथी बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। देखिए आज महिला दिवस पर आप इस संकल्प को फिर दोहरा सकते हैं, हमारे देश की नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना ज्यादा है वो भी आपके कंटेंट का हिस्सा, प्रमुख हिस्सा हो सकता है। मैं जरूर दावे से कहता हूं जी, आप में से कोई थोड़ा क्रिएटिव माइंड के साथ सुबह से रात तक माँ क्या करती है उसी को थोड़ा रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके रखें, देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंक जाएंगे, अच्छा माँ इतना काम करती है। एक साथ करती है, यानी आपके पास एक ताकत है, आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे गांव की जो जिंदगी है, आपने देखा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में गांव की महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ी हुई थी। ये वेस्टर्न लोगों की जो सोच है ना कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है, अरे भाई वर्किंग वुमेन छोड़, भारत में महिला है तभी तो संसार चल पा रहा है जी। गांव में आप देखेंगे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती है। अगर ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती हैं जी। और इसलिए हमारी क्रिएटिविटी के द्वारा हम ये जो गलत परसेप्शन बने हैं ना, बड़े आसानी से बदल सकते हैं, हकीकतों के आधार पर बदल सकते हैं। और मैं मानता हूं हम इसको करना चाहिए। अगर एक दिन की जीवन की सिर्फ साइकिल को हम दिखाएं तो पता चलेगा कि हमारे यहां पशुपालक हो, किसान महिला हो, मजदूरी करने वाली महिला हो, कैसे काम करती, कितनी मेहनत करती है। साथियों, स्वच्छ भारत की सफलता से आप सभी परिचित हैं और आपने उसमें सहयोग भी किया है, लेकिन ये तो निरंतर चलने वाला जन आंदोलन है। कहीं पर भी कोई सफाई की अच्छी चीज आती है, अब जैसे मैंने अभी एक रील देखा, कोई टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक की बोतल देखता है, तो टाइगर मुंह से प्लास्टिक की बोतल उठाता है और कहीं पर जगह पर छोड़ने के लिए चला जा रहा है। अब उसका मतलब मोदी किस किस से बात पहुंचाता है, समझ गए ना। अब उसके माध्यम से आप भी पहुंचा सकते हैं, और इसलिए आप इस विषय पर भी लगातार कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। एक अहम विषय भी मैं आपसे स्पर्श करना चाहता हूं दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें जो मेरे मन को छूती है, मेरा मन करता है कि क्रिएटिव माइंड के लोग हैं तो शायद मैं मन खोल करके बातें भी कर सकता हूं, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं जी। जैसे मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही छूने वाला विषय जी है, और वैसे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी कंटेंट हंसी मजाक से जुड़ा होता है, लेकिन कई अन्य गंभीर विषय भी होते हैं। मैं देखता हूं मेंटल हेल्थ को लेकर
बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बनाते हैं, मैंने बोला ही नहीं है जी, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। मुझे मेरे देश के टैलेंट पे भरोसा है, मुझे मेरे देश के लोगों की संवेदनशीलता मुझसे जरा भी कम नहीं है। लेकिन ये ऐसे और जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव है, ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर काफी क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और हो सके तो लोकल लैंग्वेज, गांव के अंदर एक परिवार में अगर ऐसा बच्चा है उनके लिए क्या हो सकता है, बड़े शहर में फाइव स्टार दुनिया में तो होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में ये बहुत जरूरी है जी। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों में स्ट्रेस का, हमें पता नहीं होता है। पहले तो हमारा जॉइंट फैमिली होता था और बच्चे कभी दादी संभाल लेती थी, कभी दादा संभाल लेते थे, कभी नाना, कभी नाना, कभी चाचा, चाची, भाभी, भाई। अब माइक्रो फैमिली है, दोनों लोग चले गए हैं, आया के पास बैठा है, पता नहीं उसको स्ट्रेस का क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं है। अब जैसे एग्जाम का समय होता है, स्टूडेंट्स में रिजल्ट को लेकर के चिंता बहुत बढ़ जाती है, सांस फूलने लग जाती है रिजल्ट आने वाले, फोन पर दोस्तों तो कह रहे जैसे रिजल्ट अभी आ गया हो, लेकिन धीरे 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 पारा गर्म हो जाता है। मैंने कोई 8-12-15 साल पहले एक छोटी सी फिल्म देखी थी, उस जमाने में तो उतना वीडियो वीडियो कोई पॉपुलर नहीं था, लेकिन मेरी ये रुचि है जानना, समझना, सीखना। और उसमें ये बताया गया था कि कुछ भी गलत निर्णय लेने से पहले बेहतर जीवन जीना ज्यादा आसान है और कितना जीवन सुंदर बनता है। और उस बच्चे को एग्जाम देनी होती थी, उसको लगता है सब मैं नहीं कर पाऊंगा तो आत्महत्या करने के लिए सोचता है, शायद उसके जो क्रिएटर होंगे उसको याद आ जाएगा, मुझे पूरा याद नहीं क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले इसको, 20 साल हो गए होंगे, तो उसको मन करता है कि मैं रस्से से टांग करके जान दे दूं, तो रस्सा खरीदने जाता है, तो वो उसे पूछता है कितने फीट चाहिए लंबा, तो सोचता है फीट क्या होता है, तो जाके पढ़ाई करता है यार फीट ऐसे होता है। फिर वो कहता है उसको वो हुक चाहिए, तो लोहे का चाहिए कैसा चाहिए, उसकी पढ़ाई का। फिर उसके ध्यान में आता है यार मरने से ज्यादा तो पढ़ना सरल है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है उसने, हार्डली 7-8 मिनट की होगी, लेकिन जब मैंने उसको देखा और वो ये जो आत्महत्या करने का मूड बन जाता है बच्चों का, छोटी सी चीज है लेकिन उसके जिंदगी को एक नई राह दिखा देती है। अब आप भी जानते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम करता हूं, आपको लगता है कई लोगों मजाक उड़ेगा क्या यार के प्राइम मिनिस्टर है क्या बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करता रहता है फालतू समय का। मैं जानता हूं दोस्तों मैं कोई सरकारी सर्कुलर नीचे निकाल करके बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकता, मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा। और उस समय यानी बारिश के बाद अगर मैं खेत में काम करूं तो काम का है, परीक्षा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है, और इसलिए मैं हर साल रेगुलरली ये कार्यक्रम करता हूं, क्योंकि मेरे मन में यही होता है कि इन बच्चों के साथ मैं कुछ बातें करूं, खुल करके बातें करूं, हो सकता है किसी को एक आध चीज काम आ जाए, उनके मन को छू जाए, उनका हाथ पकड़े, उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनके माँ बाप को लगे, टीचर को लगे। साथियों ये सारे काम मैं तो रील बनाने के लिए समय नहीं निकाल सकता, तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं, लेकिन आप तो वो भी कर सकते हैं जी। क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए,
हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ कूल फॉर यूथ। मरना क्या है यार, कूल हॉस्टल में बैठे हैं, कूल साथियों, इसमें बहुत बड़ा, और आप लोग हैं बड़े, क्योंकि आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। साथियों, मैं जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था, और एक क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ, और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो, तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वोटिंग पैटर्न घटती गई, दुनिया में देश समृद्ध हुए, लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं ने समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत शत प्रतिशत लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के, समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है, और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है जी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है, लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौजवानों की भागीदारी चाहिए। 18, 19, 20, 21 साल के देश। साथियों, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उसमें बहुत प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है। आप उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे दिव्यांगजनों में जो इनहेरेंट ताकत होती है, उसे बाहर लाने की आवश्यकता है, उसे भी सोशल मीडिया की शक्ति से जोड़ने की जरूरत है। साथियों, एक और विषय है,
भारत का इन्फ्लुएंस भारत के बाहर और ज्यादा बढ़ाने का। आज दुनिया में आप में से जो भी परिचित होंगे विश्व के साथ, आज भारत का तिरंगे का बहुत आन बान शान है, भारत के पासपोर्ट की आन बान शान है कि नहीं है? है ना? आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे, तिरंगा झंडा दिखा दिया, काम चल जाता था जी। ये सामर्थ्य ऐसे ही नहीं आया है दोस्तों, ये सामर्थ्य ऐसा ही नहीं आया है, इसके पीछे एक मिशन बोर्ड में तपस्या की गई है। दुनिया में आज वातावरण बदला है, लेकिन उसको और अधिक आज भी दुनिया में कुछ परसेप्शन ऐसे ही है हमारे लिए, हम उसको बदल सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं, मुझे याद है मैं एक बार किसी एक देश में गया था तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था, तो परिचय वो और वो कंप्यूटर इंजीनियर था, उस सरकार में काम करता था, तो मेरी मदद की उसने, 3-4 दिन मेरे साथ था वो, तो परिचय हो गया। तो आखिर में उसने कहा, साहब आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? नहीं साहब, आपको आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं नहीं दोस्त, 3-4 दिन से आप देख रहे हो, बुरा लगने का सवाल नहीं, आप जरूर पूछिए। नहीं 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 डरें तो साहब नहीं पूछता हूँ। नहीं, मैंने कहा पूछो यार। उसने कहा साहब क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? ये मुझे पूछा गया सवाल था जी। मैंने कहा देख दोस्त, हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकतवर थे, तो सांप बाप उनके लिए बड़ा बाएं हाथ का खेल था। अब मैंने कहा हमारी ताकत बहुत कम हो गई है, और धीरे 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 करके मैंने कहा वो माउस पे आ गए हैं। लेकिन मैंने कहा वो माउस से पूरी दुनिया को हिलाते हैं। साथियों, मेरे देश का ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को हम आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को, मैं समझता हूं हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें, उनको लाने की दिशा में हमारा काम हो, हम अपने कंटेंट को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। आप फिक्शन ऑफ सेकंड दुनिया में पहुंच सकते हैं, आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मैं कल श्रीनगर में गया था तो एक नौजवान से मेरी बातचीत हो रही थी, मैं हैरान हूं, जो वो सिर्फ शहद का काम करता है, मधुमक्खी पालन का काम करता है, और आज ग्लोबली उसने अपनी एक ब्रांड पहुंचा दी है जी, जस्ट डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से। और इसलिए साथियों, आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, आई क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कई लोग विदेशी भाषा को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आते एआई की मदद से काम हो सकता है।
कुछ लोग सीख भी सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा यूएन लैंग्वेज में, जर्मन, फ्रेंच, पेरिस जैसी लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे तो आपकी और भारत की भी रीच बढ़ेगी। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश है, उनकी भाषाओं में हम कुछ करें, हमारी एक अलग पहचान बनेगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हमने लिया है। मैं भी कुछ दिन पहले बिल गेट्स के साथ गप्पे मार रहा था, तो ऐसे ही एआई वगैरह सारे विषयों पर बहुत चर्चा निकली, कभी उसके विषय में जरूर आपको पता चलेगा। लेकिन हमने अभी कल ही एक डिसीजन लिया है, हम एआई मिशन को, और मैं मानता हूं दुनिया देख रही है कि भारत एआई में क्या कम करेगा, क्योंकि भारत लीड करेगा, मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे बोल रहा हूं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर, जिस प्रकार से भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और मैं बताता हूं कि हम 2G 4G वगैरह में बहुत पीछे रह गए, 5G में हमने लीड कर लिया। वैसा ही हम बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर की दुनिया में, हम दुनिया में अपनी जगह बना लेंगे दोस्तों, और देखते ही देखते हम छा जाएंगे। और ये मोदी के कारण नहीं, मेरे देश के नौजवानों के कारण, मेरे देश के टैलेंट के कारण। इतना सामर्थ्य है, मोदी तो सिर्फ अवसर देता है, रास्ते से कांटे हटा देता है ताकि मेरा देश का नौजवान तेज गति से आगे बढ़ चले। और इसलिए मैं चाहता हूं जैसे हमारे पड़ोस के देश है, उनकी भाषा है, उनके साथ उनकी सोच समझ के अनुकूल हम जितनी चीजें पहुंचाएंगे, मैं समझता हूं हमारा नाता और जुड़ेगा। हमें अपना विस्तार करना है, अपना प्रभाव पैदा करना है दोस्तों, और ये क्रिएटिव वर्ल्ड बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और एआई की ताकत आप जानते हैं, आजकल देखा होगा, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूं कुछ ही समय में वो आपको हिंदुस्तान के 8-10 लैंग्वेजेज में ये मेरी सारी बातें आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं एआई का उपयोग करता हूं। आपके साथ अगर यहां आते जाते मेरा फोटो निकल गया तो आप एआई के माध्यम से वो फोटो अपनी कलेक्ट कर सकते हैं, नमो ऐप पर जाएंगे, फोटो बूथ पे चले जाएंगे, आराम से आपको मिल जाएगी मेरी फोटो। आज से 5 साल पहले कहीं मिल गए होंगे, एक कोने में मुझे देख रहे, आपकी एक आंख फोटो में आई है, तो भी वो आपको खींच करके ले आएगा वहां। एआई की ताकत है, हमारे देश के नौजवानों की ताकत है। और इसलिए मैं कहता हूं सबको कि भारत के पास ये सामर्थ्य है, हम इस सामर्थ्य को लेकर के आगे जाना चाहते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक छवि नई ऊंचाई पर ले जाने का काम हम अपनी इस क्रिएटिविटी से कर सकते हैं। एक फूड क्रिएटर किसी को मुंबई के बड़ा पाव की मशहूर दुकान तक पहुंचा सकता है, एक फैशन डिजाइनर दुनिया भर को यह बता सकता है कि भारत के कलाकारों की खूबी क्या होती है, एक टेक क्रिएटर पूरी दुनिया को यह बता सकता है कि मेक इन इंडिया से हम क्या बना रहे हैं और भारत में इनोवेशन कैसे बढ़ रहा है, एक गांव में बैठा ट्रेवल ब्लॉगर भी विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को अपने वीडियो से हिंदुस्तान की यात्रा के लिए मोटिवेट कर सकता है। हमारे भारत में तो इतने अलग अलग तरह के मेले होते हैं, हर एक पर्व में अपनी एक स्टोरी होती है और दुनिया उसे जानना चाहती है। जो लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के कोने कोने को जानना चाहते हैं, उनकी भी आप बहुत मदद कर सकते हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों में आपकी स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रोडक्ट, आपके फैक्ट, अगर मैं मानू तो हकीकत विषय में कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए। आप देखिए एक यूनिक अंदाज में आप जाएंगे। अब देखिए आर्टिफैक्ट तो बहुत होते हैं, आर्कियोलॉजी वाले ने बहुत चीजें निकाली होती है, लेकिन जो म्यूजियोलॉजी जानता है ना, वो जब उसको बनाता है, रखता है, तो हम उस युग में पहुंच जाते हैं। 300 साल पुरानी चीज देखते हैं तो लगता है कि मैं उस समय जी रहा हूं। क्रिएटिविटी की ये ताकत होती है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के भीतर वो क्रिएटिविटी है जो मेरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बन सकता है। और इसी भावना से मैं आज आप सबको मिला, आप सबको बुलाया, आप बहुत ही कम नोटिस से आए, आपने कुछ करके दिखाया है। जूरी को भी मैं बधाई देता हूं,
क्योंकि 1.5-2 लाख लोगों की एक एक बारीकी को पहुंचाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये काम और अधिक अच्छे ढंग से, अधिक साइंटिफिक ढंग से हम कर पाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके